द्वितीय अध्याय देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का पथ। मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उष्णिक छंद साकंभरी शक्ति दुर्गा बीज वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप हैं। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग है। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला फरसा गदा बाण वज्र पद धनुष कुंडिका दंड शक्ति खड़ग ढाल शंख घंटा मधुपात शूल पाश और चक्र धारण करती हैं। ऋषि कहते हैं पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी के आगे उसके उस स्थान आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृद्धांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य इंद्र अग्नि वायु चंद्रमा यम वरुण और अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठा बन बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई, अब हम आपकी ही शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भुआएं तन गई और मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। उस प्रकार ब्रह्मा शंकर और इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी एक बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज जाजवलन मान पर्वत सा जान पड़ता था। देवताओं ने देखा वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही हैं। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कोई तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणित हो गया। अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर के बाल निकले। श्री विष्णु भाग के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का, इंद्र के तेज से मध्य भाग कटी प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जांघा पिंडली और पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां हुई। वशुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उनकी भौएं संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए। उसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेजपुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी। वायु ने धनुष वाण और बाण से भरे हुए 2 तरकश प्रदान किए। सहस्त्र नेत्र वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया। ऐरावत हाथी से उतरकर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिक की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया। सूर्य ने देवी के
समस्त रोम कोपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी, क्षीर समुद्र ने उज्जवल हुआर और तभी कभी जीर्ण न होने वाले दो दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, दो कुंडल कड़े, उज्जवल अर्धचंद्र, सात सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर, गले के लिए सुंदर हसली और सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियाँ दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा फेंट किया, साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अवैध कवच दिए। इनके सिवा मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुमाने वाली कमलों की मालाएं दी। जल्दी ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाक्षय कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया और संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विशीभूत नागहार भेंट किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्ठास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कभी कहीं समा न सका। आकाश उनके सामने लघु प्रतीत होता था। उनके बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे। पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंह वाहिनी भवानी से कहा, देवी आपकी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभ ग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेनाओं का कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, आह यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उस देवी को देखा, जो अपने प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित करनी थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दब रही थी, साथे माथे के मुकुट से आकाश में रेखा सी खिंच रही थी, तथा वे अपने धनुष की टंकार से सातों पातालों को छुप किए देती थी। देवी अपने हजार भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र सहस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित होने लगीं। चक्षुर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था, वे देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुर्गणी सेना साथ लेकर चामर भी तोड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1,00,000 रथियों के साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोए तलवार के सामने तीखे थे। वह 80,00,000 नाम का महादैत्य 5,00,000 रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60,00,000 रथियों से घिरा हुआ वाष्कल नामक दैत्य भी उस भूमि युद्ध में लड़ने लगा। परिवर्तित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों तथा 1,00,000,000 रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। विड़ाल नामक दैत्य 5,00,000,000 रथियों के घिर रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड़ग, परशु और पट्टिश आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पाश फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के वे समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर विश्राम या थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था।
देवता और ऋषि उनकी स्तुति करने लगे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रहीं। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा मानो वनों में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु बिंदीपाल खड़ग और पटिश आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बाजे बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से गदा से शक्ति की वर्षा से खड़ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितने ही घंटे ने भयंकर नाद से मूर्छित कर मार गिराया। बहुतेरे दैत्यों को पांच से बात कर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनके तीखी तलवार की मार से दो दो टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त बमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रणांगण में बाण समूह की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बांझ की तरह झपटने वाले देवी पिंड के दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। कितने की बाहें छिन्न भिन्न हो गईं, कितने की गर्दनें कट गईं, कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग से विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को ही देवी ने एक वहाँ एक पैर और एक नेत्र वाला करके दो टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाते और केवल धड़ ही के रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ में ले देवी के साथ युद्ध करने लगते। कुछ कमंद युद्ध के बाजारों में युद्ध की बाजों की लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड़ग शक्ति और सृष्टि लिए दौड़ते थे और दूसरे दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो ये कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहाँ वह घोर संग्राम हुआ था वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ हाथी घोड़ों और असुरों की लाशों से ऐसी पट गई थी कि वहाँ चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी घोड़े और असुरों के शरीर से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ कि थोड़ी ही देर में वहाँ खून की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगीं। जगदम्बिका ने असुरों की विशाल सेना को क्षणभर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तृण और कांच से भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है और वहाँ वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिला कर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो उनके प्राण चूने लेता था। वह देवी के गणों ने भी उस महादैत्य के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वाधिक मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्व में महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ है।